जिसने हमारी मदद की उसे जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए और हमेशा मदद करने वाले का एहसान मानना चाहिए। इतिहास पलटने से हमें कुछ नहीं मिलेगा कुलकर्णी, क्योंकि इतिहास में अपना बाप नहीं है। इस पूरे राज्य को भगवान अकेला कंट्रोल करता है, इसलिए सब भगवान से मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। भगवान चला जाए तो, मर गया तो। तुम गलती कर रहे हो भाई। भैया पहले इसकी बात तो सुनो। कल भगवान का लड़का 8 साल बाद इंडिया वापस आ रहा है। रिसीव करने के लिए भगवान खुद एयरपोर्ट जाएगा। यह 16 रुपए में हम 30 ग्राम जिलेटिन बेचते हैं, जिसे ब्लास्ट करने पर पहाड़ों के पत्थर भी चूर चूर हो जाते हैं। भगवान के एयरपोर्ट से घर जाने के रास्ते पर 5 जिलेटिन स्टिक एक साथ रख दें। जस्ट 1 बटन वो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम इस धंधे में नए हो और भगवान के यहां मैंने 10 साल काम किया है। वहां कौन क्या करता है सब जानता हूं मैं। भगवान कभी अकेला नहीं होता। गुरु को हमारे आदमी संभाल लेंगे। नमस्कार, हाँ मैं गुरु भाई बात कर रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा। मैं गुरु के बारे में बात नहीं कर रहा, भगवान के साए की बात कर रहा हूं, भगवान के ताकत की बात कर रहा हूं, जय की बात कर रहा हूं। सबसे पहले उसी को मारेंगे। क्या बात है, गाड़ी क्यों रुक गई? मुझे क्या मालूम, चल देखते हैं। जय माता दी, जय माता दी। जल्दी कर बे। हाँ चलो। एक फोन करूं क्या? जान प्यारी है तो मेरी बात मान ले। वीर ने मना किया इसलिए अभी तू जिंदा बुढ़े, नहीं तो तुझे कब का टपका देता। मुझे मारने में और उसे मारने में बहुत फर्क है बेटा, जानता है वो कौन है? जय। वो आ गया है, तेरे लिए लास्ट चांस है। मार डालूंगा। सुन, तू वहां से भाग जा, किसी को नहीं बताऊंगा। ए, मुंह बंद कर अपना, चुप। तो
भाई सुन, तू भाग जा यार। तेरी तो चल, चल। ए, उधर चक्कर। आठ साल के बाद वापस आए हो, हमें बहुत खुशी हो रही है। आप दिखने में बिल्कुल अपने पिताजी की तरह दिखते हो। पर मुझे तुम्हें देख के बहुत दुख हो रहा है। आठ साल बाद मैंने सोचा नहीं था कि तुम जिंदा हो गए, लेकिन तुम तो जिंदा हो। I can't believe it. Look him, Dad. बहुत एंजॉय किया था। मुझे बहुत सारे शौक हो ना बेटा। इन्वेस्ट करेंगे लॉट्स ऑफ मनी। One of the best playing looking cards for you. Golden plate 24K. Oh. Suni. Isme sab kuch hai, Dad. It's really got everything in it, Dad, you know. Wow. The best of the kings, the best of the queens, Jack, and the best looking joker. In logo ki tarah. Sab aa bhi. Dad, ye to sach mein joker hai na? Come on, Munna.
ये पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, आईएएस और आईपीएस, इन सभी के पास पावर है, बट कंट्रोल मेरे पास है, आई हैव इट। इसलिए हमारे जैसे लोग पावर मैन कहलाते हैं। एंड टुडे, आज के दिन पावर सबसे बड़ी है, जान से भी बड़ी। हे मुन्ना, मुझे रिसीव करने के लिए तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं आए थे? अगर मैं वहां आता तो हम यहाँ नहीं मिल पाते। मुन्ना बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। तुम्हें क्या हो गया था, तुम क्यों नहीं आए? मैं कैसे आता, वक्त खराब होता तो तुम्हें ही आना पड़ता। कैसे बातें कर रहे हो। अच्छा, मुझे बताने लायक कुछ है? बताने लायक होगा तो खुद ही बता दूंगा दादाजी। पता है मेन होल में फटने वाला बम वीर की गाड़ी में कैसे फटा? जय, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना। मैंने उससे कहा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। असल में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुनो, संसार का ये नियम है, मोटी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है। कौन सा ताला, कौन सी मछली छोटी है, कौन सी बड़ी? वेरी सिंपल जय, यही है ये धंधा, ये तालाब है, एक बड़ा तालाब, उसमें भगवान बड़ी मछली है, मैं छोटी मछली है रे। पता चल गया ना तू छोटी मछली है, अब बता आगे क्या करना है। अपने राज्य में कोई काम करने का रहेगा तो सब तेरे पास आते हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, आईएएस, आईपीएस, सबके साथ। तो अरे सब तेरे पास आएंगे तो मैं बिजनेस कैसे करेगा? ये तेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ? आंखें बंद रखो। दादा मुझे आंखें खुली रखने का पैसा देता है। मैं कितना दे सकता है ये तेरे को नहीं मालूम? कितना दे सकता है? कुलकर्णी, तू शहर का भगवान बनने की कोशिश मत कर। सिर्फ तू ही नहीं, किसी और ने भी अगर इस तरह की हरकत की ना, तो सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा, भूलना मत। 4 साल पहले भगवान के सामने तूने ये वादा किया था कि तू मुझे नहीं मारेगा, तेरे वादे की कोई वैल्यू नहीं है? ये क्या वादा करेगा भैया, आप कहो तो इधर ही। मारा मारी नको जय। मैंने वादा कुलकर्णी से किया था, तुझसे नहीं। संपत एड़ा है तू जय, कहा जाला? तू भगवान से बहुत प्यार करता है ना? बताऊंगा तब भी नहीं समझेगा, बता के तो देख समझ जाऊंगा। इसको लॉयल्टी कहते हैं, विश्वास। मैंने कहा था ना नहीं समझेगा, तो ऐसा सवाल क्यों पूछता है? गुरु भाई चलो। हॉट जानवी, जानवी तुम तो सचमुच पहले से बहुत ज्यादा हॉट हो गई हो। 8 साल पहले तुम्हें देखा तो तुम इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, नाउ यू हैव बिकम सेक्सी, तुम तो कमाल की लग रही हो। तुम तो नहीं बदले, नो मैनर्स एट ऑल, बात करने की तमीज नहीं। मैं तो यहीं पर हूँ, पर तुम कहीं जाने की तैयारी में हो। मुझे देखते ही लोग पागल हो जाते हैं, और अगर मैं नहीं दिखूं तो लोग मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सो ले लो इसे ले लो ये ले लो तन मेरा, मन मेरा नहीं लगता, अब न
लगी है जलता, इस बाहों में तो ले ले इस बात की चिंता, देखो मुझे देखो जवा तुम पे नजर चलता, मेरी सुनो जलवा ऐसा देखा कभी न होगा, करना तो चिंता हम सब कुछ है चलता, ये लटक झटक नोक झोक पाना कुछ घंटा, touch me you can touch me, you can feel me you can feel me, you can kiss me you can kiss me, ये जलवा है मेरा, ये दिल में रहना दिल धक धक कर मेरा, ये ऊपर से तेरा और अंदर से मेरा, दिल तड़पा मुझे आजा चल बाहों में आजा, मत रहना दूर 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 सुन ले मेरे राजा, touch me you can touch me, you can feel me you can feel me, you can kiss me you can kiss me, ये जलवा है मेरा मेरा ये मेरा, touch me you can touch me, ये नरम तन है मेरा बरसे यहाँ मदिरा, ए देख 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 ये मेरी है मेरी है, कौन सा मार दूंगा तुझे, छोड़ो मुझे साले, तू मारेगा कौन सा मार दूंगा तुझे, चार से मार दूंगा, हाँ हाथ लगा मुझे, हिम्मत है तो गोली यहाँ पर चलाना, चल हाथ लगा तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, अरे गुरु भाई ये मैंने कुछ पहले कहीं कर रहा है, आप जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा उसे, गुरु भाई पहले गन दो, देखो जय इसने मुझ पे हाथ उठाया, मैं संभाल लूंगा गन दो, इसकी इतनी हिम्मत जानवी के लिए मेरे पे हाथ उठा गया, जान से मार दूंगा, जान से मार, मैं बात कर रहा हूँ ना, लाओ गन दो, क्या है मुन्ना जानवी को कोई नहीं देखेगा तो क्लब बंद करना पड़ेगा, उसका खून देखना, ये गन तुम्हें कहाँ से मिली, इसका लाइसेंस है तुम्हारे डैडी को पता है, अरे एमसीए पढ़ने के लिए तू लंदन जाने वाला था और गन से अपना फ्यूचर खराब कर रहा है, पता है, पता है, चलो निकलो, ए मुन्ना नहीं, गुरु भाई क्या हुआ, डोंट गॉड देम स्टेयर, देखा था जानवी को देखेगा ना, हाँ जा, दादा आपने मुझे बुलाया, मैं तेरा क्या लगता हूं जय, दादा क्लब की बात को सीरियसली मत लीजिए, नहीं जय बता मैं तेरा क्या लगता हूं, दादा आप मेरे सब कुछ हैं और ये बात आप भी जानते हैं, दादा फायदे के काम को व्यापार कहते हैं, दान के काम को पुण्य कहते हैं, और जो काम फल की चिंता किए बिना किया जाए उसे कर्म कहते हैं, मेरी मां बहन के बदले के लिए आपने जो मुझे हिम्मत दी वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे और मैं आपकी परछाई बना रहूंगा, मुन्ना का भी ऐसे साथ देगा क्या, दादा आप ज्यादा सोचिए मत, और ये सब पूछने की जरूरत क्या है, मैं तेरे लिए क्या अहमियत रखता हूं, ये बात तो तूने अच्छी तरह समझा दी जय, जय अब से मुन्ना तेरी जिम्मेदारी, मुन्ना का साथ कभी मत छोड़ना, मुन्ना तेरे छोटे भाई की जैसा है, बता मैं तेरे पे भरोसा कर सकता हूं, जिंदगी में सबको कुछ ना कुछ चाहिए, पैसा जमीन एहसान सुख और न जाने क्या क्या, लेकिन मुझे सिर्फ अपना खोया हुआ प्यार चाहिए, मेरा वही प्यार जिसे मैं 20 सालों से ढूंढ रहा हूं, ये नर्सरी मुझे पुरानी बातें याद दिलाती रहती है, सब कुछ तो अच्छा है पर लगता है कहीं कुछ कमी है, सब कुछ तो अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ कमी है, मेरी बात रिपीट क्यों कर रहा है, ये तो फील कर रहा हूं रिपीट थोड़ी कर रहा हूं, बहुत अच्छा है, पौधे हैं फूल भी हैं, खूबसूरत है लेकिन क्या कमी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पौधे और फूल तो बहुत अच्छे हैं लेकिन यहाँ कमी क्या है वो खोजना पड़ेगा, ए छोटू मैं क्या करूँ, पौधे में पानी डाला था, गोबर डाला था, अंडे का छिलका डाला था, मिट्टी डाल के धूप में भी रखा था, और क्या करूँ तुम ही बताओ,
मैंने पेपर में ऐड दिया। इडियट। अच्छा तो पेपर में ऐड देने से पौधा बड़ा होकर जल्दी से फूल देगा क्या? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। रास्ता वहां से है। हाय। हाय। ये नर्सरी किसकी है? ये मेरी है। ओह ग्रेट, इस सिटी में मैंने इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी। थैंक यू। लेकिन लगता है इसकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है। मैं नहीं, छोटू। छोटू बोलिए। पौधों की देखभाल करना साइंस है। हाँ हाँ पता है, किताब में पढ़ा है। किताब से कुछ नहीं होता। इन्हें खाद यानी फूड की जरूरत है। खाना। इन्हें मिट्टी की भी जरूरत है। मिट्टी। प्यास लगे तो पानी चाहिए। पानी। धूप आए तो छाव चाहिए। छाव। जैसे हम रहते हैं वैसे हमें पौधों को भी रखना चाहिए। ओ, लगता है बहुत बढ़िया है। और पौधों को भी हमारे प्यार की बहुत जरूरत होती है। ओहो प्यार। मैंने कहा था ना पौधों को प्यार की जरूरत होती है, तुमने सुना नहीं? भूल गया क्या? क्या तूने कब बोला कि पौधों को प्यार की जरूरत होती है? झूठ बोलता है, ये मैंने बोला था। तूने कब बोला था? हैं? मैंने कहा था पर तुम्हारे दिमाग से निकल गया। अच्छा आप कौन है? ओह सॉरी, पेपर में ऐड दिया था। ओह ये ऐड मैंने नहीं, इसी ने दिया, इसी ने। ओह हाय जाजा, तुझे भी कुछ सिखाने का है। एग्रीकल्चरिस्ट, ग्रीन पीस एक्टिविस्ट, पीजी इन बॉटनी एंड डिप्लोमा इन प्लांटेशन। पौधे बड़े करने के लिए ये सब भी पढ़ना पड़ता है क्या? छोटू जरा संभाल के। ऑल राइट, इट्स ओके। क्या इतनी खूबसूरत नर्सरी को और खूबसूरत बना सकती हो? एक छोटा सा करेक्शन। ओके। इसकी वजह से ये नर्सरी इतनी खूबसूरत है, इसे और खूबसूरत बना सकते हैं? मैं बना के दिखाऊं तो? ओके ओके। सुपर। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। वन मिनट है। श्योर। गाते गाते अच्छा काम कर दिया इसने। मैं भी ट्राई करूं क्या? चुप रह। ओहो हो। संध्या तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ले लो। चेकबुक लेके आओ। उल्लू की तरह क्या देख रहा है, चेकबुक लेके आ जा। लड़की को देने के लिए बहुत पैसा है। संध्या इस बेशकीमती काम के कितने पैसे चाहिए? तुम कितना दोगे? तुम जितना कहोगी दे दूंगा, कह के तो देखो। ये लो। ओके जरा झुको। वो क्यों? ए मुंह बंद कर, चुपचाप झुक। बोलो संध्या, ये चेकबुक है और हाथ में पेन भी है, बोलो कितना चाहिए? लाख, डेढ़ लाख, दो लाख। वन BMW। पचास लाख। बंजारा हिल्स में एक रो हाउस। दो करोड़ का बिल। एंड वन करोड़ कैश।
अरे बाप रे, एक काम कर भाई, ये नर्सरी इसी का नाम कर दे, फिर अपन दोनों यहीं पे नौकरी कर लेंगे, ठीक है? मैंने ये काम पैसों के लिए नहीं किया जय, आई वाज जस्ट जोकिंग। आजकल लोग है ना सेल्फिशली पेड़ काट कर रोड बना रहे हैं, पहाड़ों को काट कर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तालाब सुखा कर कॉलोनी बना रहे हैं, पर आप जैसा पौधों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मुझे आप जैसे लोग बहुत पसंद है। ये क्या दरवाजा खुला हुआ है? कैसे खुला है? मैं क्या बताऊं? मैं क्या कर सकता हूं? कितनी बार बोला जानवी को चाबी मत दिया करो। अरे नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करूं, वो बोली नहीं दोगे तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तेरी तो दो एक इडियट, पता नहीं कब सुधरेगा तू। चलो बाहर आओ। जानवी मैं तुमसे बोल रहा हूं, बाहर आओ। व्हाट इज दिस? आया है पर यहाँ की बात अलग है। कितनी बार समझाए यहाँ मत आया करो। तुम चाहे जितना मना करो मैं यहाँ आऊंगी। मैं यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे ये जगह सेफ लगती है। तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है ना, मुन्ना से जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरा दिल करता है कि मैं उसे मार डालू। Why does he do this? वो मुझे फोन क्यों करता है पता नहीं, फ्लैट में कब घुसता है कुछ पता नहीं चलता। घर की लाइट्स बंद करके आई हूँ ताकि उसे लगे कि मैं घर पर नहीं हूँ, पता है क्या? See, must be him. Hi, no, why? मैं कहीं बाहर हूँ। Hello? Hello? Hello, hello, hello? Disgusting. तेरे लिए फिट है, जा सेटल हो जा। Ew, no, मैं तुमसे पूछती हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ऐसा नहीं है जानू, जिस लड़की से शादी करनी हो उसमें अट्रैक्शन होना चाहिए जो तुम्हें नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है अब मैं कैसे समझाऊं? जानवी, तुम और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ खेले, बड़े हुए, मैंने हरदम तुम्हें अपनी फैमिली की तरह समझा। फैमिली? हाँ, अगर सिस्टर कहा ना तो मैं यहीं से कूदकर खुदकुशी कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम खुदकुशी मत करना। आज यही रोज ना, अब तो खुश हो ना। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तुम लोगों ने जो प्रोजेक्ट टिकअप किया है उसके लिए मैं तुम लोगों को जमीन देने के लिए तैयार हूँ, बट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अप्रूवल बाकी, अगर आप दिला दें तो। बिजनेस की बात भगवान से करो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताओ। पगार टाइम पर नहीं देते क्या? लोग चिल्ला क्यों रहे? ये पगार के लिए नहीं चिल्ला रहे, वितमापुर में मेरी फैक्ट्री की वजह से पेड़ पौधे मर रहे हैं उसके लिए। पेड़ पौधे? यहाँ आदमी के मरने में कोई पूछता है क्या? पेड़ पौधे पर रोने वाले कौन आ गए? जरा आप इन्हें देख लीजिएगा। देखने के लिए ही तो है हम लोग। चलो। हाँ नरसिंह, ओमेगा फैक्ट्री के ऑफिस से मैं अभी निकल रहा हूँ, भगवान भाई से बोल दो काम हो गया। हाँ ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक छोटा सा काम याद आया, मैं भी चलता हूँ। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। बंद करो, बंद करो, ओमेगा फैक्ट्री बंद करो, सेवा वाटर बंद करो, बंद करो, ओमेगा फैक्ट्री बंद करो, सेवा ट्रीज बंद करो, सेव ट्रीज, सेव वाटर, सेव वाटर, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बारिश नहीं हो रही पता है ना? हाँ, बंद करो, सेव वाटर, बंद करो, कहीं तो बारिश हुई थी। नो, सही टाइम पे नहीं हो रही, जब तक वो गधे का बच्चा नहीं आ जाता हम चिल्लाते रहेंगे, बचाओ बचाओ पानी बचाओ, बचाओ 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 बचाओ। वन मिनट, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोर्ड ऊपर करो, चलाओ चलाओ, कीप गोइंग, चलाओ, बंद करो, बंद करो, वो लाउड है। हाँ मिस्टर करण। यस मिस्टर जय। बाहर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या हम उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं? देखिए फालतू की न्यूज बन रही है। आपने गवर्नमेंट प्रपोजल की बात की थी ना, उसके बारे में भगवान से बात करूंगा, पर्सनली बात करूंगा।
ठीक है ना? ओके। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा लंच टाइम हो गया, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा तो अब गुंडों को भेज दिया है क्या? बंद करो, बंद करो। ए डेल पसली बहुत ज्यादा चिल्ला रही है तू, चल चिल्लाना बंद कर। ए क्या है, मुझे मारेगा? ए सब चुपचाप निकल जाओ वरना बहुत मारेंगे। अगर तूने मुझे मारा ना तो मेरा एक एक पौधा तुझसे बदला लेकर ही रहेगा। हाँ दिमाग खराब है क्या, पौधा कैसे बदला लेगा इसकी तो। ए डंडा तो निकल। बंद करो, बंद करो, तुमसे कोई नहीं डरने वाला। ए क्या मुझे मारेगा क्या? ए क्या हुआ, आ गया मुझे मार के दिखा, कम ऑन। ए डर गया क्या? आना कम ऑन, आ जा कम ऑन। बंद करो, बंद करो, ये तो भाग गया। बंद करो, बंद करो, देखा सेव प्लीज। बंद करो, बंद करो, एक मिनट, एक मिनट, स्टॉप स्टॉप। हाय सर। हाँ अभी आपने ही फोन किया था ना सर? हाँ किया था ना। अच्छा सर, इसके बारे में उनको बता दिया था ना? हाँ बता दिया था। सबको बता दीजिए। सुनिए, साहब ने बोला कल आपसे बात करेंगे। यहाँ उतरो। एनीवे थैंक यू फॉर टॉकिंग टू हिम। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा तुम करण को जानते हो क्या? हाँ मेरा गैंगमेट बैचमेट है। बैचमेट? हाँ क्यों? ओ सॉरी, मैंने तो उसे गधा बोल दिया, आई एम सॉरी। हाँ नहीं कोई बात नहीं। और कुत्ते का बच्चा भी कहा? कमीना कहो कुत्ता कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। हंसना क्यों बंद कर दिया? तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। पानी पूरी? या? तुम काम क्या करते हो? वन मिनट। पावर मैनेजमेंट। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ईजोन। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इनके बीच में गैप होता है। इस गैप को मैं फिल करता हूँ। ब्रोकरेज। मेडिएशन वर्क्स बेटर। तुम मुझसे कुछ बात करने वाले थे क्या? मैं? हाँ तुमने कहा था। मैंने कहा था? तुमने? वन मिनट वेट, वन मिनट वेट। यहाँ कहाँ? तुम्हें कुछ कहना है ना, आके कहता। वेट वेट वेट। ये क्या कर रहा है तू? सॉरी सर, ये कैसे सवाल है? आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपना काम कीजिए। क्यों भाई, तू हर काम को टाइम फिक्स करके पूरा करता है ना, तो इस काम को टाइम पे पूरा क्यों नहीं कर रहा है? सर इसके आने का कोई टाइम वर्म नहीं है। अरे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। मेरा काम हो गया तो जाइए ना, हैंड वॉश करना है। जरूरत नहीं है, जाइए। पागल हो गया। जय, अगर संध्या से प्यार करते हो तो जाकर उसे बता क्यों नहीं देते? लेकिन उससे कैसे कहूंगा, इसी मुंह से कहेगा और कैसे, बेवकूफ कहीं के जाके बोल दे। इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। अगर तू उससे नहीं बता पाया तो आज के बाद उसके साथ घूमना फिरना बंद कर दे। बोल दे वरना तुझे समझ गया। गुड। हे तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? संध्या अब हम कहीं बाहर चलते हैं। कम ऑन, आई विल शो यू। यू नो व्हाट, एक्चुअली आई जस्ट लव दैट प्लेस सो मच दैट यू नो। तेरा तेरा जादू तेरा, मेरे दिल पे जादू फेरा। मेरा ले ले दिल ये मेरा, दिल तो गया देखो मेरा। मैं क्या कहूँ, कैसा लगा, क्या बात है तुझमें भला। हाँ दिल मेरा तुझसे चाहे जीना मरना। Yeah.
फेरा मेरा ले लो दिल ये मेरा दिल तो गया देखो मेरा सनम सच्ची है ये मोहब्बत सनम बस आज से ये ले ली कसम तेरे बिना तो हाँ जीना नहीं है तुम भी हमें हाँ कह दो यही दूरी तो सहने की ताकत नहीं अब पास आ तू मेरे दिल के दूर जाना ना जादू तेरा मेरे दिल पे जादू तेरा मेरा ले ले दिल ये मेरा दिल तो गया देखो मेरा मैं क्या कहूँ कैसा लगा क्या बात है तुझमें भला हाँ दिल मेरा तुझ से चाहे जीना मरना तुमने कुछ कहा नहीं तो मुझे लगा तुमने कुछ कहा तुम्हें लगा कहा क्या हाँ बिल्कुल नहीं इसे कैसे पता चल गया अशोक भैया हाय संध्या आप कब आए मैं अभी आया चैटर्जी अंकल से की ले लेना चाहिए था ना आपको चलो कोई बात नहीं अब तुम तो आ गई ना लाइए ना वो भी दे ओके एक मिनट और कैसे चल रहा है कुछ नहीं संध्या वो शिवसरन का केस ना वापस ओपन हो रहा है सरकार को मेरी थोड़ी मदद चाहिए खैर वो सब छोड़ तू कैसी है चटर्जी जी ख्याल तो रखते हैं ना हाँ भैया मैं बहुत खुश हूँ मैं गांव आने का सोच रही थी कि दादी से मिला कोई बात नहीं तू गांव की चिंता छोड़ दादी ने क्या भेजा है छोटू हाँ जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो मुझे बाहर जाना है ओके जय हाँ? ये सब तू लेकर आया है क्या हाँ हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ना सही है अपने लिए लाए क्या हाँ अपने लिए क्यों ओहो अरे तू ये सब कब से पहनने लगा अरे सालों से यही पहन रहा हूँ तुझे नहीं पता सालों से लेकिन मैंने ऐसा कभी देखा नहीं जल्दी से मेरे कपड़े निकाल के रख दे मुझे बाहर जाना है तू बहुत बदल गया है ए जो बोला वो कर ठीक है छोटो
हैं? ये सब क्या है? तूने ही निकालने के लिए कहा था, इसलिए निकाल कर रख दिया। अरे ये कपड़े आदमी पहनते हैं क्या? तूने ही तो कहा था निकाल कर रखो, मैं आकर पहनूंगा। अबे तेरी ये कपड़े मेरे हैं क्या? तो फिर ये किसका है? लगता है शॉपिंग मॉल में। इसका मतलब तेरी गर्लफ्रेंड का? सिर्फ शॉपिंग के लिए गए थे, ज्यादा मत सोच। अच्छा तो सिर्फ शॉपिंग के लिए गया था? तू जानता है, जानवी भी उसे जानती है। जानवी चांदनी को जानती है? जानवी और चांदनी क्लोज फ्रेंड्स हैं। क्लोज फ्रेंड है? तुम चांदनी की बात कर रहे हो ना? तो फिर किसकी बात कर रहा है तू? छोटू, इंसान को किसी पे शक नहीं करना चाहिए, शक किया तो गए। ओह आई सी। लेकिन तुम चांदी चांदी करते रहते हो ना, तो उसे पटा क्यों नहीं लेते? अच्छा तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हाय संजय। हाय। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यहाँ का काम मैंने खत्म कर दिया ना, तो अब दूसरी नर्सरी ढूंढनी पड़ेगी। तुमने कहा था ना कि मुझे एक और नर्सरी बनानी है, मतलब गार्डन। गार्डन चाहिए? एक काम कर, रास बिहारी रोड पर जाएगा ना, लेफ्ट माना, वहाँ पे तुझे ऐसे ही गार्डन मिल जाएगा। क्या बोला तूने? तू भूल गया क्या? रास बिहारी रोड पे लेफ्ट मारेगा ना, वहाँ पे ऐसे ही गार्डन मिलेगा। मिलेगा, लेकिन वो इस तरह का तो नहीं होगा ना। मेरी ये बात तूने रिपीट क्यों नहीं की? ठीक है, वो जो लड़की थी ना जो वहाँ काम करती थी, उसने काम छोड़ दिया है, अब वो क्लब में डांस करती है। अच्छा बेटा, बाहर पौधे सूख रहे हैं, जरा उनमें पानी डाल दो। वही जो लेफ्ट में पड़ा है वही ना? हाँ ठीक है। मैंने कहा था ना इस तरह की नर्सरी नहीं है। ठीक है, मैं गाँव चली जाऊंगी। तेरी तो अगर मुझे मिलना हो तो गाँव आना पड़ेगा। मतलब तुम क्यों मिलने आओगे? क्यों मिलने? कॉफी? या कॉफी। तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना, क्या बात है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्यों पूछ रही हो? जनरली हैंडसम तो हो ही, स्टाइल, नर्सरी, कार, ओके लुक्स। आई मीन, तुम्हें कोई लड़की ना पसंद करे इसका कोई रीजन ही नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम हमेशा घड़ी क्यों देखते रहते हो? और तुम्हारे पैर एक जगह टिकते ही नहीं है, आज यहाँ पर कल वहाँ पर, हाँ, और अपना हाथ कभी जेब से निकालते ही नहीं हो, ऐसा क्यों है भाई? तुम इस सवाल का जवाब कैसे दूँ? 1 मिनट। हाँ। वो ऐसे सवाल क्यों पूछती है? कैसे सवाल सर? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए और यहाँ से जाइए। ये कैसा सवाल कर दिया? गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? और तुमने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो तुरंत बता देना चाहिए कि वो तुम्हें पसंद है या नहीं है। लगता है तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, खुद पर पूरा भरोसा होना जरूरी है। लगता खसक गया ये। पहले सीधे खड़े हो, जेब से हाथ निकालो, अब जाके संध्या से कह दो मेरी कोई गर्ल वर्ल फ्रेंड नहीं है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अंदर जाके यही सोच रहे थे क्या? अरे सोचना क्या है, गर्लफ्रेंड के लिए टाइम होना चाहिए, और मेरे पास टाइम कहाँ है? बिजी। दिन भर नर्सरी में रहते हो और वहां पे मैं भी होती हूँ, तो फिर बिजी कैसे हुए? कहा ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाय। संजय। हाय। हाय। और ये तनु, नाम क्या है इसका? जानवी इसका नाम है। तुम यहाँ कैसे? हम यहाँ ये सोचकर आए कि यहाँ कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। और तुम यहाँ? मैं भी यहाँ बैठकर कॉफी पीने आई हूँ। ओह नाइस, गुड, है कॉफी? मुझे तुमसे बात करनी है। ओह श्योर, जरूर बात करेंगे। या मुझे अभी बात करनी है। या श्योर। सी यू। हाय, सी यू। बैचमेट। राइट, चेक प्लीज। हे जानवी, तो तुम यहाँ हो?
फोन साइलेंट कर दिया, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सही कहा ना? देखो जानवी, मेरी बात सुनो। एक्सक्यूज मी, तनु जानवी ना? देखो देखो देखो, मेरी बात मानो। ए, क्या कर रहे हो? जानवी देखो, हम बैठकर भी तो बात कर सकते हैं, प्लीज मेरी बात मानो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाउ डेयर यू, अब मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। ए ए छोटू देखो, क्या हुआ मैडम? तुम जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, जाता हूँ। और तू, आई विल किल यू। आई विल किल यू। बस करो जानवी, जानवी बता दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बताओ मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। जानवी देखो, शांत हो जा, शांत हो जा। गुस्सा मत किया करो, बच गए। अरे शांत हो जा, अरे लगती हो एकदम। जानो जानो देखो, शांत शांत। वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, मैं शायद क्लब में डांस करती हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना? ए चुप रहो, मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन शादी जो है तुमसे, जरा बताया था ना तुम्हें, हमारे बीच कुछ नहीं रहा ना, और अब तो मैं शायद इस घर में रहने भी नहीं आ सकती। तुम मुझे भूल जाओगे, उसके आने से सब कुछ बदल जाएगा। अरे नहीं जानू, कुछ नहीं बदलेगा, कहा था ना मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। फालतू की बातें सोचना बंद करो, समझ गई? बूम। सभा सभा सभा, ये क्या है बेटा? इतना पैसा देखकर तो मेरी भी नीयत खराब हो रही है। सभा तूने कितना लूटा है? मजाक मत करो बेटा। अरे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ रे, ये पैसा कहाँ छुपा रखा था? हा? या कोई लड़की का चक्कर है? नहीं बेटा, अपनी रखेल को देगा क्या? देखो गलत बात मत करो। वेट 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 वेट, मेरा पैसा अगर मैं उठा रहा हूँ तो तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तू मेरे बाप का कुत्ता है तो कुत्ता बन के रहे, लाइक अ डॉग। हाँ मैं कुत्ता हूँ पर वफादार हूँ, इसलिए आपके पिताजी ने यह काम मुझे सौंपा है। ये पैसे नहीं लेने दूंगा। हट जाओ ओल्ड मैन। नहीं बेटा ये पैसे मत लो, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ बेटा प्लीज। You know what? क्या कर रहे बेटा? क्या कर रहे हो? नहीं ऐसा मत करो बेटा, देखो मेरी बात सुनो, ये क्या कर रहे हो? सभा, वो तो छोटा बच्चा है, उसे छोड़ना। नहीं भगवान, आप सिर्फ एक बार मुन्ना से बात करके उसे उसकी हरकतें बदलने को कहेंगे तो वो थोड़ा समझ जाएगा। सभा, तुम सभी लोगों को मिलकर मुन्ना को संभालना चाहिए। पर ये क्या है हा? मुन्ना के खिलाफ कुछ भी सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं भगवान, आप सिर्फ एक बार आज वो नहीं होता मुन्ना। जैसे क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? मेरी प्रॉब्लम क्या है? ये क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? क्या कर रही है? मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंप्लेंट करने की? बेटा मेरे बारे में मेरे बाप को कंप्लेंट कर रहा है? तुम्हारी भलाई, तुम्हारी भलाई के लिए बेटा। मेरी भलाई? मैं अपनी भलाई बुराई अच्छे से जानता हूँ, तुझे क्या मतलब? तू मेरे बाप का कुत्ता है ना बेटा, सब देख रहे हैं। बेटा मुझे धक्का देता साले, मुझ पे हाथ उठाता है? मेरे बाप ने भी मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया, समझा? हाउ सैड फील हाउ? सब हाउ सैड फील हाउ?
God damn idiot. अब बता कि मैंने तुझ पे ये किया, फिर मैं तुझे बताता हूँ। अगर तूने बताने की हिम्मत भी की तो तुझे जिंदा चला दूंगा। संपत, सारे रास्ते अगर बंद भी हो जाए तो भी एक रास्ता हमेशा खुला ही रहता है, है? सबा सबा पते हा, तूने मेरे साथ नमक हरामे के, मेरे साथ मुझे धोखा देने वाले कुलकर्णी के साथ मिल गया। जो हो गया उसे भूल जाइए दादा, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए। हमारे पास क्या है, कहां से आता है, वो हमसे अच्छा सभापति जानता है। सभापति को मार दो, सारा किस्सा ही खत्म। यकीन, इतना सोच क्यों रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो एक बार धोखा दे चुका है वो आगे भी धोखा देगा। सभापति गलत आदमी है, मैं जानता हूँ। डैड, यू गॉट टू किल हिम। मार दो सभापति को, मार दो। यह दैट्स गुड, दैट्स द वे। क्या बात कर रहे हैं दादा? सभापति ने सालों हमारे लिए काम किया, उसे मारने की बात कर रहे हैं? तो क्या करें, उसे छोड़ दे क्या? बाद में कुलकर्णी के एरिया में गए तो जिंदा वापस आ पाएंगे? तो है ना, कितने लोग मारे जाएंगे। अब मैं क्या सबकी अर्थी सजाता बैठूंगा? ए जे, डर लग रहा है क्या? डैड, मैंने आपको पहले ही कहा था, वो जोकर आपके काम को और बिजनेस को बर्बाद कर देगा, बर्बाद। जय, तुम जानते हो जय, हम लोगों ने यह मुकाम कितनी मुश्किल से हासिल किया है, कितनी मेहनत करके, रात रात जाकर हमने अपनी रातें काली की है। अरे, अपने खून की एक एक बूंद हमने ये पोजीशन हासिल करने में लगा दी है। अब उसकी वजह से हमें फिर से वही जिंदगी जीनी पड़ेगी। नो किल हिम नाउ। ऐसी बात नहीं है दादा। जाएगा कि नहीं, बोल, जाएगा कि नहीं? ठीक है, जाऊंगा, लेकिन मारूंगा नहीं, जाकर उसे यहां लाऊंगा। और तब आप उससे यह पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया है। वो गलत हो तो मार देना। हैप्पी बर्थडे राहुल। थैंक्स मैन। सीट बेल्ट क्यों नहीं पहना? सीट बेल्ट क्या? ए, तुम कौन हो? मेरे पापा को जानते हो क्या? मैं जानता हूँ राहुल, तुम्हारे पापा मेरे दोस्त हैं। चलो। क्या? हाय। व्हाट अ ब्यूटीफुल। ये कौन है? ये संपत का बेटा है, मैं सभापति को लेने जा रहा हूँ। हाँ, अब समझा। इसको यहाँ रख के उसके एरिया में जाकर सभापति को लाओगे। उसको लाने के लिए ये इंश्योरेंस है, सही है ना? आज तेरा बर्थडे है ना, अच्छी तरह सेलिब्रेट करना। या इट्स माय बर्थडे। तेरी एज क्या है? वो क्यों पूछ रही है? अंडर 18 नॉट अलाउड। ओ
भाई मैंने आका बंदी कर दिया। बोलो। जय यहाँ आ गया है सर। आगे क्या करना बताइए ना सर, बोलिए ना सर। आने दो। जय हाथी है, एक तू ही है जो मेरे एरिया में आने की हिम्मत कर सकता है। कैसा है भगवान, डरा हुआ है या बहुत गुस्से में है? मैं भगवान के लिए नहीं आया हूं, बर्थडे पार्टी के लिए आया हूं। ए, राहुल कोता है? आज के तो और जन्मदिन और आज सुबह तो पार्टी कोचे बंधुदेश होंगे क्या ना? ए, राहुल किधर है बता। संपत 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 शांत शांत। राहुल कहाँ है? सभापति कहाँ है? राहुल किधर है वो बता। तूने राहुल के साथ क्या किया? राहुल अभी तक सेफ है, मैं फोन करता हूँ तुम बात कर लो। मुझे भरोसा नहीं है, तेरी सारी चालों से वाकिफ हूं। आजाद राहुल कहाँ है बता, मैं अपने आदमी को वहां भेजूंगा, वो राहुल को वहां से निकालेगा और तू यहां से सभापति को ले जा। स्ट्रीट बैगर खेलेगा क्या? मतलब अगर तू गेम जीत गया तो मैं अपने कपड़े उतारूंगी और अगर मैं जीती तो तुझे कपड़े उतारूंगी। अगर मैं जीतता रहा तो मैं सारे कपड़े उतारूंगी। Shall we start? वो तो अभी तक यहाँ नहीं आई। ये कौन है? मुन्ना जय सभा को लेने गया। मुझे बताओ ये कौन है? संपत का लड़का है, जय से यहाँ छोड़ के गया। संपत का लड़का? Hey, hi, man. Yeah. Hi. राहुल। मुन्ना। आज इसका बर्थडे है। Yeah, it's my birthday, man. It's my birthday. Happy birthday. सभापति तुमने ऐसा क्यों किया, बताना तो चाहिए था। क्या बता तुम्हें, मुन्ना ने मुझ पर पेशाब किया था ये बताता। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। पर एक बार मुझसे बात करके तो देखते। भगवान मुन्ना के खिलाफ सुनना नहीं चाहता और मैं उन बाप बेटों के बीच अब काम नहीं कर सकता। जानते हो अब इसकी वजह से कितनी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी? तुझे पता है जय, अगर ये बात सबको मालूम पड़ती तो मेरी इज्जत करने वाले ही मेरा मजाक उड़ाते। और यहाँ मैं कोई दुश्मनी निभाने नहीं आया हूँ, अपनी इज्जत बचाने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ चला आया हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं सभा। तुमने ना कोई गलती की है और ना किसी से डरने की जरूरत है। या कम ऑन गो ऑन टेक इट आउट या। जानवी कहां है? जानवी क्यों, वो कौन है? ये तुझे सेक्सी नहीं लग रही क्या? पॉपकॉर्न। जानवी इज लाइक जानवी यहां क्या करेगी, टाइम मिलते जय के साथ। जानवी जय के साथ है? हाँ उसके ही साथ है। तुम्हें क्या पता, कल रात तो वो दोनों एक ही कमरे में साथ में थे। Hey, shut up, huh? Hey, you. Guru. Hey, you just shut up, huh? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब तू मुझे बता, जानवी और जय के बीच में क्या है? मुन्ना मुन्ना चल बता। मुन्ना ये क्या कर? Shut up, I'm telling you, man. चल बता जानवी किसके साथ है? हाँ ये बात तो सभी जानते हैं, जय और जानवी। अबे हंसता बंद कर वरना अच्छा नहीं होगा। वो लोग कई सालों से एक साथ। चल अब बोल। I told you to shut up. जय जानवी, जानवी कहाँ है? बताएगा या मरेगा? Anybody want to talk?
Nobody is going to save me. Guru, Chandni kahan hai bata? Jai ke ghar pe. Kuthe mil raha. Ab tak pahunch jana chahiye tha. Sala phone bhi nahi utha raha. Kuch samajh mein nahi aa raha. फोन नहीं उठा रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तू भी जिंदा नहीं जाएगा। जय 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 क्या हुआ? अचानक मुन्ना क्लब में आ गया था, सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने यार राहुल को मार दिया। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना? तुम वहाँ किस पोजीशन में, मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, अभी मुन्ना कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं नहीं कर रहा था। तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तू इतनी सेक्सी है ना, तुझे पाने के लिए मैं पागलों की तरह घूमता रहता हूँ। और तू यहाँ जय के फ्लैट में यहाँ क्या कर रही है? हाँ, touch me, you can feel me, ये गाना उसी के लिए था ना? What? Just shut up, man.
उसको मजे दे रही है या मजे देती है? यह क्यों सो डिस्गस्टिंग? अच्छा तो यहाँ स्टॉप इट। नहीं तो फिर वहाँ स्टॉप इट। तुम निकल जाओ यहाँ से। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? जहाँ जगह मिलती है वहाँ शुरू हो जाती है। हाँ? लीव मी। जय यहाँ आ गया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझसे नफरत करती है? लीव मी। मजे देने में मजा आता है ना? Get out! How dare you to slap me, huh? Jay! John! ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उससे मुझे नफरत है। अब मजा आ रहा है ना? अब मजा आया? How do you feel now, huh? What's in the fuck at the Paul! Janvi? Janvi? Hey, Jay! आ गया, तू भी मरेगा। तुमने जानवी को मारा? क्यों मारा इसको? अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। जानवी मुझे देखो। जानवी 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 हेलो कुलकर्णी, उस दिन जो तुमने जय को ऑफर किया था वो ऑफर मेरे लिए भी है क्या? जय, ये तूने क्या किया? तूने मुन्ना को ही मार दिया? मुन्ना मर गया है, भगवान नहीं छोड़ेगा तुझे। ये देखिए उसने क्या किया, मेरे सामने मेरी जानवी को मार डाला। बात बंद कर जाए। तूने जिसको मारा है वो भगवान का लड़का है, वो नहीं छोड़ेगा। भगवान मुझे क्यों मारेगा, मैं खुद उसके पास जा रहा हूँ। वो मार देगा जय। डर कर अगर उसके पास नहीं गया तो गलत साबित हो जाऊंगा। भगवान को ये सब पता चलना जरूरी है, इसलिए मैं खुद उसके पास जा रहा हूँ। तुम यही रहो। नरसिंह, गाड़ी हटाओ। जय, तूने मुन्ना को मार दिया क्या? नरसिंह समझने की कोशिश करो, मुझे भगवान से बात करनी है। भगवान ने कहा जिसने मुन्ना को मारा उसे जान से मार देना। Thank you.
चाहे तू बच नहीं पाएगा, भगवान तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला समझा तू? छोटू भरोसा किया, उसे तेरी जिम्मेदारी सौंपी, पर मुझे क्या पता था कि वो नमक हराम तुझे ही मार देगा। बुल्ला 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 बुल्ला। तू शहर छोड़कर क्यों जा रहा है जय? तुझे मारने के लिए भगवान ने आदमियों को भेजा ना, उसे मार दे। छोटू चल छोड़। क्यों छोड़ दे? बुल्ला ने जानवी को मार दिया, तुझे भी मारने के लिए आदमी भेज रहा है। तू उन्हें संभालने का मौका मत दे, उससे पहले तू उन्हें मार दे। बात मान, मार दे। हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है। अपनी जान के लिए मैं भगवान की जान ले लूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। तू नहीं जानता छोटू, मेरे अंदर कुछ चल रहा है, मेरे अंदर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। मैं भगवान के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मेरी मां और बहन के लिए जो एहसान उसने किया है वो भूल सकता है, पर मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो कोई परवाह नहीं। उसकी औकात कितनी है उसे पता है, और ये दुश्मनी कैसे खत्म करनी है ये मुझे पता है। नहीं छोड़ूंगा। अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रहा हूं, लेकिन उसे नहीं मारना चाहता, इसलिए यहां से दूर जा रहा हूं। कभी नहीं भूलूंगा, एक तो जानवी को, दूसरा तुम्हें और संध्या। अब तुम जाओ छोटू। मैं कहां जाऊं जय? यहां से कहीं दूर चले जाओ। ये पैसे रख लो। नहीं जय, मुझे अकेला छोड़ के मत जा। तेरा रुकना खतरे से खाली नहीं है, तू चला जा। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है जय। जिंदा हूं तो तेरे लिए, मर जाऊंगा तो भी तेरे लिए। जय मुझे छोड़ के मत जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जय, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जो कहता हूं उसे रिपीट करता है ना, तो आज क्यों नहीं कर रहा? तुम यही चाहते हो जय, तो मैं चला जाऊंगा। हाँ जाओ जय। ये नहीं सोचा था। क्यों नहीं आऊंगा भाई? उस दिन जो जय को ऑफर दी थी वो ऑफर मुझे चाहिए, इसलिए चला आया। अब इतनी बड़ी ऑफर को ठुकरा दूं? मैं जय थोड़ी हूँ, गुरु हूँ। मैं बैठ सकता हूँ क्या? अब बात क्या है,
मुझे जरूरत है, तुम्हें मौका चाहिए। अगर दोनों मिल जाए सोचो कितना फायदा होगा। तेरा फायदा तो तेरी खबर पर ही तय होगा। खबर अच्छी रही तो जितना सोचा है उससे ज्यादा ही दूंगा। तो ठीक है, भगवान को कहां मारे जो वो आग बंद करेगा, और किसको मारने पर हमें धंधे में फायदा होगा, और किसको कहां कैसे मारना है ये मैं अच्छे से जानता हूं। इसके लिए मुझे बड़ा चक्रव्यूह रचना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। गाड़ी तो मिल गई है पर वो कहाँ चला गया पता नहीं। दादा वो कहीं भी चला जाए हमारे आदमी उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, वो नहीं बचेगा। सांबर दूं क्या? नहीं, तुम्हें बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था संध्या। आप भी सांबर है, आने से पहले एक बार पूछ लिया होता। मैंने खास आपके लिए बनाया है। नहीं चाहिए बोला ना, नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा? बढ़िया ही सांबर खिलाने वाली। तो मत खाओ, जाओ। मेरी वजह से दीदी को क्यों डांट रहे हो? ए भाभी बोल भाभी। हाँ हाँ भाभी। क्योंकि मैं आप सबसे मिलना चाहती थी। हाँ इसे मैंने बुलाया था, क्या कर लोगे? तुम मुंह बंद करोगी? मुंह बंद करो। सुनो संध्या, यहाँ का माहौल बहुत खराब है। कब वो शिवसरण बेल पर बाहर आ जाएगा या जेल तोड़कर बाहर आ जाएगा, यही सोच सोच कर हम डरते हैं। अशोक तू जो कह रहा है सही है, जरा इसके बारे में सोच। दो दिन यहाँ रुक के चली जाएगी। अब ये यहाँ आ गई है तो दो चार दिन रह लेने दो ना। हम बात कर रहे हैं ना, तू क्या समझा रही है? तुझे इस घर में लाया, गलती हो गई। यह सिर्फ तुम्हारा ही घर नहीं है, ये मेरी दादी का घर है और मैं यहाँ दादी की सेवा करने आई हूँ। क्यों दादी? सच बोल रही हूँ? तुम्हें झूठ लगता है क्या? मुझे डर था कि ये कहीं किसी दूसरी लड़की से शादी ना कर ले, इसीलिए सबको छोड़कर मैं यहाँ पर चली आई। मैं किसी से भी शादी करूँ तुझे क्या? मुझे क्या, मैं एक क्लास से तुमसे प्यार करती हूँ, तुम कैसे किसी अरे गहरे से शादी कर लोगे? दादी माँ इसको संभाल लो वरना मैं इसे मार डालूंगा। दादी मैं इन्हें कहूँ ना कि ये जनाब मुझसे शादी कर ले, अगर आप मुझसे शादी नहीं की ना तो कोई घास नहीं डालेगा। संध्या मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नींद आ रही है। यही बात तुम नीचे आकर भी कह सकती हो। हाँ आ रही हूँ। क्यों बुलाया मुझे? क्यों वो? हाय संध्या। जय पेट भर गया। संध्या ये देखो तुमसे मिलने आए। हाय जय। हाय दादी माँ, ये जय है। जय ये दादी जी। नमस्ते। ये अशोक भैया। हेलो। ये लक्ष्मी दीदी। नमस्ते। भाभी बोल भाभी। दादी कलकत्ता में मैं इन्हीं के गार्डन में काम करती थी। सिर्फ काम ही? इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। कितनी हेल्प? अच्छा बाद में बताओगी। लक्ष्मी दीदी आओ। जय नहीं मैं बाहर इंतजार करता हूँ। तो बाहर ही रहने वाले हैं क्या? हाँ हाँ। फिर तो एक काम कीजिए, बाहर जाकर बाएं मुड़िएगा और फिर बाएं मुड़ने के बाद एक दाएं मुड़िएगा, फिर बाएं हाथ में काली माता का मंदिर है, वहाँ बगल पे बड़ा सा फाइव स्टार होटल है, वहीं रुकिएगा। फाइव स्टार होटल? लक्ष्मी मैं भी यही कह रही थी, इतना बड़ा घर है बाहर क्यों? हमारा इतना बड़ा घर है और ये कहीं बाहर रहेंगे तो ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात होगी। बेटा तुम यहीं रुकना। संध्या। हाँ दादी। उनको रूम दिखाओ। दूसरे रूम की क्या जरूरत है, ये मेरे रूम में रहेंगे। ना, ये बात मुझसे कब कहोगे? मुंह बंद कर, मार दूंगा तुझे। तुम चलो संध्या। अब आई टेक इट। आओ आओ, ये मेरा बेडरूम है। बैठो 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 ना। मैंने जस्ट तुम्हें कॉल किया, स्विच ऑफ आ रहा था। अच्छा अच्छा। अरे बैठिए बैठिए, पानी लेकर आई हूँ। एक गिलास पानी काफी है। रात में प्यास लगेगी तो क्या करेंगे, आपको तकलीफ ना हो इसलिए इसमें लाई हूँ। आप लोग बातें कीजिए। अरे बैठो। नहीं आप बैठो, बातें करो।
मैंने यहीं तो रखा था। अरे क्या ढूंढ रही हो? मैं वही ढूंढ रही हूँ संध्या। देखिए यहाँ तो नहीं है। नहीं वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। आप लोग बात कीजिए, मैं यहीं बैठकर आपकी बात सुनूंगी। लक्ष्मी दीदी, भाभी भाभी कहो ना। तुम नहीं गई तो तुम्हें दीदी बुलाऊंगी। ऐसा मत करो, मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुम आराम से बैठकर बात करो, मैं चलती हूँ। सिर्फ बात यही करना। बाय। जय, तुम यहाँ अचानक? जब तुमने फोन किया तो फोन नहीं उठा पाया, और जब मैंने फोन करना चाहा तो फोन खराब हो गया था। तो फिर मैंने फोन किया था, ये कैसे पता चला? लगता है फंस गया। बहुत अच्छा फोन है, सही वक्त पर खराब हुआ। जय, जय, जय। कल तो यही सुला कर गई थी, आज सुबह कहाँ चला गया? दौड़ोगे तो हमारे गांव की बस के पहले ही कलकत्ता पहुंच जाओगे। तुम दौड़ क्यों रहे थे? कुछ यादें कभी नहीं भूलती। मैं समझी नहीं। जब मेरी उम्र 7 साल की थी और मेरी माँ या बहन आवाज देती थी तो मैं दौड़कर ही पहुंचता था। आज यहाँ आकर उन्हें की याद आ गई तो दौड़ने लगा। ये बात है। गाँव का मार्केट देखोगे ना तो सब कुछ याद आ जाएगा। चलो ना, कम ऑन। अच्छा, छोटू कैसा है? बहुत अच्छा है। और नर्सरी? एक दिन में क्या हो जाएगा? एक दिन में कुछ भी हो सकता है, जिंदा आदमी भी एक दिन में मर जाते हैं, पता है ना? क्या रे, इस एसआई पप्पू राय को तू ट्रैक्टर से कुचल कर मारना चाहता है क्या? हाँ, मैं तो तुझे मारना ही चाहता था। लेकिन सारा ब्रेक नहीं साथ नहीं दिया, क्यों? आई नो, मैं जानता हूँ रे, तुम सब लोग अशोक को बहुत ही ताकतवर समझते हो, मुझे पता है रे। मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं है। अगर मैंने इस बोतल का लास्ट पैक पी लिया ना तो प्रलय ऑफ 2012। तू नहीं समझेगा रे, चल बाजार चलते हैं, वसूली का टाइम हो गया। सॉरी। तुम हो, अच्छी हो ना मैडम? तुम इसको कहां से पकड़ के लाई हो? कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा है? कम ऑन टेल मी, अगर कोई लफड़ा किया होगा तो इसकी बॉडी बॉडी काट कर गांव के कौवे कुत्तों को खिला दूंगा। अरे भाई मेरी हेल्प करो भाई। भैया गाड़ी रोको। मैं तुझसे बोल रहा हूँ, तू मुझे अपने साथ बिठा ले भाई, प्लीज। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा हाथ पकड़। अरे हाथ दे ना जल्दी, कम ऑन। एक्सक्यूज मी, थोड़ा गैप देंगे क्या? थोड़ा एडजस्ट करो मैडम। ए भाई, देखने में तो बहुत ढीला ढाला लग रहा है, तेरे अंदर इतनी पावर कहां से आई भाई?
ये जॉगिंग करते हैं। जॉगिंग करता है? जॉगिंग करने से हाथ में पावर नहीं आती मैडम, पैर में पावर आती है। लुक एट देयर, डोंट लुक मी। कम ऑन स्पीक आउट ब्रदर। अशोक ने मुझसे बात करने के लिए मना किया है क्या? मैं वैसे बहुत ही अच्छा आदमी हूँ। आई एम वेरी गुड बॉय यू नो। बॉय? या बॉय। लोग मुझे समझने में गलती कर देते हैं। मैं इस गांव में चंचन सेवा करने का काम करता हूँ। चंचन सेवा नहीं, जन सेवा होता है। जन सेवा क्या? ओ ओके, चंचन सेवा है ना, जनजन सेवा नहीं। जय जन सेवा। चंचन सेवा। ठीक है, तुझे जो बोलना है बोल। क्यों भाई मुझसे पकड़े हो क्या? मैंने क्या गलत कहा? जो तुमने कहा वही मैंने कहा। लुक देयर, लुक एट देयर। अच्छा एक झटके में खींच लिया। वैसे तुम करते क्या हो भाई? पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट, ओके आई केम टू अ करेक्ट प्लेस। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सेल फोन ऑफ है, घर भी लॉक है, आदमी गायब है। मैं उसे तभी से ढूंढ रहा हूँ। आई नो हाउ टू ग्रैब यू। यस, ऐसे क्यों देख रहा है? हेलो, लुक एट माई आईज। तू किसी को मार कर भाग गया है और उसके सारे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अगर मैंने ऐसा FIR बनाकर तुझे अंदर डाल दिया तो तू समझ ले आउट। इसीलिए तू मेरी बात सुन, मेरे साथ पुलिस स्टेशन आकर ट्रांसफार्मर ठीक कर दे। ओके गुरुजी। यस। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोलो भाई। सॉरी। सॉरी किस लिए? इसके लिए। मैं कहा हूँ बाप रे। ये है हमारा मार्केट, यही है मेरा शॉपर स्टॉप, सिटी सेंटर एंड एवरीथिंग। जय। हाँ? देखो कांच की चूड़ियाँ, शहर में ऐसी चूड़ियाँ नहीं मिलती। अच्छी है ना? मुझे पहनाओगे प्लीज? संध्या मुझे ये सब पसंद नहीं है। चुप खड़े रहो, चुप रहो। रेडी? हाँ रेडी हूँ मैडम। वेट। परफेक्ट। चंदू रेडी? हाँ। ये क्या है संध्या? अरे तुम ऐसे क्यों खड़े हो? उसकी तरह पोज दो ना प्लीज। ऐसा पोज जोकर समझा है कैसे? हे भगवान, ऐसे नहीं, ऐसे देखो, ऐसा करो ना। हुँ? स्टाइल से। यस। हेलो। कूल। दैट्स ओके। और ये कैसा? नाइस। चंदू चंदू। व्हाट? वेट वेट वेट। ए अरे अरे क्या हुआ, इनसे क्या परेशानी है? बता दिए? या। अरे ऊपर मार, ऊपर मार। संभाल के। आपने कोई मन्नत मांगी है क्या? हाँ, ये हमारे गांव का खेल है। ओ। जो मटकी फोड़ेगा उसी को सारा पैसा मिलेगा। You know, it's like a jackpot. जय, जय। हाँ? एक बार ट्राई करोगे? नहीं रहने दो। तुम्हारे शहर में ये खेल कहीं नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा। ये क्या जय? अशोक भैया कह रहे हैं तो मानते क्यों नहीं? एक बार ट्राई तो करो। छोड़ो संध्या, मुझसे नहीं होगा। ना मत कहो ना प्लीज। हाँ यार। प्लीज। शिवा। हाँ भाई। ठीक है भाई। ये लो। ट्राई करो।
आंखों पर पट्टी बांधो अच्छी तरह, कुछ दिखना नहीं चाहिए। ये ये तोड़ पाएगा क्या? फोड़ो मट्टी, फोड़ो जाओ। खड़े रहोगे, ट्राई तो करो। गौर क्यों नहीं हो? मुझे कुछ डाउट है, पूछो क्या? पूछो। देखने में तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लगते हो, लेकिन अंदर बहुत दम है। हाँ वो सब छोड़ो, क्या पूछना है? तुमने एक ही शॉट में मटकी कैसे फोड़ दी? कोई भी फोड़ सकता है, टाइमिंग का खेल है, तुम भी फोड़ सकती हो। ए कुछ भी मत बोलो, तुम कराटे भी जानते हो ना? हाँ थोड़ा सा। मैंने सही गेस किया था, सीने पे पत्थर फोड़ना, गाड़ी के टायर के नीचे हाथ रखना, गरम ईंट को तोड़ना, ये सब कुछ किया होगा ना? मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ सब कुछ किया है। छोटू हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय कैसा है? हाँ वो भी ठीक है। जय तुमसे कुछ कहना चाहता था, बोला क्या? बोला ना, तुम जय के साथ क्यों नहीं आए? मैं गांव चला गया। तो तुम कलकत्ता में नहीं हो? नहीं। तो फिर नर्सरी की देखभाल कौन कर रहा है? वो क्या है, अचानक क्या हुआ? हाँ लाओ मैं बात करता हूँ। छोटू एक मिनट। छोटू तू कैसा है? जय हाँ मैं बहुत अच्छा, तुम बताओ? संध्या से कुछ बोला नहीं होगा ना? अभी तक तो नहीं बोला। बोलना भी नहीं जय, 20 सालों का सपना तेरी आंखों के सामने है। एक अच्छे सपने के लिए सारी पुरानी बातें छुपा दे, अब से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। उसे कुछ मत बताना जय, प्लीज मेरी बात मान जा। जय मानेगा ना? ये बास्टर्ड्स! अरे चाक आ रहा है! मुझे मारने के लिए आए थे बास्टर्ड्स! Hey!
पति बनाने के लिए एक ग्लास से मैं इस पानी में दिए छोड़ रही हूँ। किसने रखा? छोटू ने रखा, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। और कौन कौन यहाँ आया था इससे पूछो। बोल ना, बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल। नहीं बोला ना मुझे, हमने बोला। बोल। हमने छोड़ दिया, मुझे नहीं बोला था। क्यों नहीं? हमने कुछ पता नहीं। बोल। नहीं मालूम। मुझे हर कीमत हर हाल में वो चाहिए। मुझे कुछ पता नहीं। कितनी बार समझाया कलकत्ता से वापस मत आ। क्या हुआ देखा ना तूने? बस करो अशोक। तू चुप कर उर्मी। तू कौन है भाई? तूने उन गुंडों को कैसे मारा? मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। मदद करने की कोई वजह नहीं होती अशोक।
आज जो हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। उस शिव शरण को हम आज ही मारेंगे। अशोक भैया, ऐसा है पप्पू संभा शिव को अच्छी तरह से जानता है, अगर इसको दारू पिलाए तो सब कुछ उगल देगा, सब कुछ बक देगा। शराब पिलाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ लूंगा। बाबू भाई घर का ख्याल रखना। ठीक है भैया। संभाशिव, जो मेरे खिलाफ जाएगा उसको काट दूंगा। वो गांव के पेड़ काट के स्मगलिंग करता था, उसने सारे गांव वालों को परेशान करके रखा था, सभी लोग डरे हुए थे। मैंने गांव वालों को हिम्मत दी और एक एप्लीकेशन तैयार की। MRO, कलेक्टर, MLA, MP, मिनिस्टर सबसे मिली। फाइनली अरेस्ट वारंट इशू हुआ। जब उसे पता चला तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। अशोक भैया के कहने से मैं कलकत्ता चली गई। इसके आगे तो तुम जानते हो। सॉरी जय, तुम्हें खामखा मेरी वजह से तकलीफ झेलनी पड़ी। तुम कल ही कलकत्ता चले जाओ, यहां मत रहो। जब तक संभाशिव जिंदा रहेगा मुझे परेशान करता रहेगा। तुम चले जाओ जय। मैं यहां पर क्यों आया हूं यह तुम्हें नहीं पता, और मजबूरी है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। जाओ, जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। आज तुझे लास्ट पैक पीना ही पड़ेगा। मैंने लास्ट पैक पी लिया तो प्रलय आ जाएगा बेटा। कोई बात नहीं, आने दे प्रलय, तू लास्ट पैक। नमस्ते सर। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया, अभी आप बिजी हैं, मैं बाद में मिलता हूँ। यू कंटिन्यू। रुको यार, कंटिन्यू करने के लिए शो थोड़ी चल रहा है, क्या काम है? हाँ तुम यही रोको। यहाँ क्या चल रहा है बताएंगे? अरे वो, ये तुमको क्या बताएगा साहब, मैं तुमको बताता हूँ। हाँ बताइए। 6 महीने पहले तक मुझे नहीं पता था साहब कि शराब क्या चीज होती है। इसने मुझे लास्ट पैक की स्टोरी सुना सुना कर एकदम बेवड़ा बना दिया साहब, और अब ये पी भी ले रहा है साहब। लास्ट पैक पीने के बाद प्रलय, बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा ऐसा बोलता है साहब। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई इसी की वजह से सब। ए, अगर तूने आज लास्ट पैक नहीं पिया ना तो मैं आज तेरा भड़क करके जंगल में छिप जाऊंगा। हाँ। अरे यार तू ही जरा समझाना। क्या मैं? सही है। आप बता। आप देखता हूँ कहाँ से आता है प्रलय। यहाँ अब तो ठीक है। ओके साहब। कहाँ गया वो? सर अभी आपने लास्ट पैक पीकर उसे मारा था ना, वो भाग गया। मैंने लास्ट पैक पीकर उसको मारा? हाँ मारा। अरे वो भाग गया? हाँ। इधर या उधर? उधर। उधर? यस। सीधा उधर ही भाग गया? हाँ उधर ही भाग गया। मैंने उसे मारा क्या? आपने ही उसे मारा, मैं इसका गवाह हूँ। ओके, तुमने मुझ पर भरोसा किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। क्या फायदा सर? हाँ? अरे वो बेवकूफ अशोक आप पर भरोसा नहीं कर रहा है। सेवा शिवम को पकड़ने के लिए पप्पू से पूछने की बात कर रहा है। क्या कहा उसने? अपने मुंह से नहीं कह सकता सर। बोल ना भाई क्या कहा उसने? गंदी गालियां दे रहा था सर। मुझे गाली दिया? क्या गाली दिया? पापी कुत्ता कमीना का। पापी कुत्ते कमीने। क्यों रे? इतना नहीं, उसने बेवड़ा भी कहा सर। कुत्ता बेवड़ा, कुत्ते कमीने बेवड़े। एनी मोर? इतना ही नहीं सर, आपका सपोर्ट करने के लिए मुझे भी गाली दी सर। तुझे भी गाली दी? क्या गाली दी भाई? अरे क्या रे हीरो, ऐसा कहा सर। क्या रे हीरो, मुंह में उंगली रखूंगा तो भी नहीं काट सकता, ये कहा सर। ओहो, हीरो के बच्चे मुंह में उंगली डालने के बाद भी नहीं काट सकता। ओके, पहले की 2 गालियां तो समझ में आती हैं, लेकिन बाद में जो 2 गालियां दी उसमें करेक्शन करना चाहिए ना भाई। सर हाँ? मेरी बात आप जाने दीजिए। हाँ? संभा स्वामी को आपसे पहले पकड़ने का दावा किया है। इम्पॉसिबल, नो वे। नो वे? यस। हाउ? वो जो शिव शरण है ना, वो पास के जंगल में
झोपड़ी बनाकर सबके साथ रहता है। पप्पू राय ओनली नो दैट। और उस डेंजरस प्लेस को सिर्फ पप्पू राय ही जानता है। रियली रियली सॉरी सर। अब किस लिए सॉरी? वो नया लौंडा कौन था? पता नहीं भाई, कल इस गांव में आया वो। भैया मैंने उसको मटकी फोड़ते देखा बाजार में। मुझे पहले बताना था ना। वहाँ क्या हुआ? मुझे कहा था कि लास्ट पैक पीने के बाद प्रलय आ जाएगा। नमस्ते साहब, आप महान हैं साहब। क्या हो गया है भाई? साहब जी क्या है, इतने लोग जमा हैं? साहब जी आपने कमाल कर दिया साहब। मैंने क्या कमाल किया? देखा भाइयों, सब कुछ करके इतनी मासूमियत से पूछ रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। हाँ? मैंने कुछ किया था क्या? साहब जी इन गांव वालों की खुशी के लिए आपने अपनी जान को हथेली पर रखकर आखिरी पैक पीकर इसे मार डाला साहब। लेकिन आप ऐसा नाटक क्यों कर रहे हैं जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है? मैंने साहब, आप भगवान हैं। भगवान भगवान है साहब, भगवान आप मेरे भगवान। ठीक है भाई, ठीक है साहब। मैंने शिव शरण को मार डाला। राज को आपने कहा था ना इसे मारे बिना चैन से नहीं सोऊंगा, और इसीलिए इतने दिनों से आपने आखिरी पैक भी नहीं पिया था। उसे मार करके आप हमें उसके आतंक से बचाएंगे, ये आपने ही कहा था ना साहब? मैंने कहा था क्या? हाँ साहब। इसे मैंने सच में मारा है क्या यार? अगर आपने कहा कि आपने उसे नहीं मारा है तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी साहब। इसलिए अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ। आपने मामूली आदमी को नहीं मारा है। वो संभा शिवम है, बहुत खतरनाक भयानक गुंडा। ऐसे खतरनाक आदमी को मारने वाले आप हीरो हैं, वीर हैं आप, वीर। यस। अगर आपने ये बात नहीं मानी तो जैसे इसको लटकाया गया है ना, वैसे ही लोग आपको मार के लटका देंगे। साहब आप एक रियल रियल हीरो हैं। ये शिव शरण को मार पाएगा? तुम सब पागल हो गए हो क्या? मुंह बंद कर। Control your tongue. Continue, continue. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। Yes. शिव शरण को मारा है मैंने। मैंने। I only kill him. Yes. तेरे जैसे लोग माने या ना माने मुझे परवाह नहीं है, बेवकूफ कहीं के। जय साहब जी। फोटोग्राफर को बुला। ए दरा। हाँ साहब। Come on. साहब जी लाश के पास जाइए, उसके साथ में फोटो खिंचवाइए। ओके। अच्छी फोटो आएगी। चाहिए चाहिए पास में। साहब थोड़ा पास में आइए ना साहब, आइए ना साहब। अरे क्या कर रहे हैं, आइए ना आइए, थोड़ा सा और पास में। अरे कहो ना, पास आइए। हाँ ऐसे ही चल खींचना। सबको बता दूं, सच्चाई दिखा दूं, मैं तो दिल से दुआ।
भी लोगों की कदर, काले धंधों पे है इनकी नजर, पिंगे टन रहे करते हैं जनसेवा। अरे रुक रे जय साहब जी, क्या कर रहा है ये? अभी आया। कम आओ ना इसे। आ गया साहब जी, यहाँ। ये क्या है रे? सूरज, रोशनी, अंधेरा, सितारे, ये सब क्या है? साहब जी, आपके बचपन के बारे में। मेरे बचपन के बारे में? मैंने तो इन गांव वालों के लिए चाचा चाचा चाचा। तू करेक्ट है। तू एक काम कर। जी साहब। इसके जैसी बड़ी बड़ी बखान मत करना, छोटी छोटी बातें कह कर गा। तू समझ गया ना? चल अब गा। मैं? हाँ यार, तू अपने मुंह से गा। अरे बाप रे, सॉरी, आई एम सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। चल गा। गाऊं? गा। जी साहब जी। गा ना बेटा। अबे बजा ना। ये अपने राजा, खाए माल ताजा, पेट इनका मोटा, दुनिया भर को लूटा। पुलिस का स्लोगन है 420 करना रे। क्या हुआ? कम यार, जो आपने कहा था वही तो गा रहा था। ये क्या तू गा रहा था? कुछ नहीं, बस तुक मिलाने के लिए। वो सही गा रहा था, मैं समझ तो नहीं रहा था। देख, मुझे ये पसंद नहीं है। एक काम कर, मुझे ज्यादा ऊपर भी मत चढ़ा और ज्यादा नीचे भी मत गिरा। मीडियम में रख के गाना। यू कैन डू बेटर, प्लीज यार। जैसा आपका हुक्म साहब जी। बजाओ। अरे सब इन्हें जान लो, फूलों के हार दो, बात सभी इनकी करो, ये अपने दाता है इनसे डरो। है सबको ही पता, वीर है, शूर है, सुपर है, सब जान लो। ये है तो बड़े सिंपल, पर डेंजर है क्यों? दल बदलेंगे जब ये निकलते, ऑल इन वन जैसे देखते। ये तो शेर है, बब्बर शेर है, करते सबको काबू काबू। इसका मतलब? मतलब कुछ नहीं, बजाओ। ये तो है पांडू, ये तो है पांडू, ये तो है पांडू, ये तो है पांडू। वाह, इन्हें देखो, कोई भी ना इन्हें रोको, मन से है ये तो राजा, देखो ना। नहीं कम किसी से ये हुए, तूने अभी से ये, फिर भी बड़ा है इनका स्टैमिना। ये बॉडी कभी थके ना, राजा पांडु सिंगल हंडी डरते ना कभी। कभी ना इनसे कॉमेडी करना, ये देखो गाड़ी पे चढ़े अभी के अभी। देखो तुम सभी, उसके आगे क्या? उसके आगे नाचो भाई, नाचते नहीं भाई, भाई भाई सर, ये देखो। अरे स्टेप बदलो रे, स्टेप बदलो, ऐसे ही, क्या बात है। अरे साहब जी, साहब जी, आया। बोलिए साहब। ये जमीन ही नहीं, ये पूरा गांव ही नहीं, सारे गाने वाले मेरे आदमी हैं। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है साहब जी, बिंदास गा, खूब खुल के गा। चल गाना शुरू कर। मालिक, आप तो भगवान है मालिक। साहब जी, आप मारेंगे तो नहीं? चल गा। बहुत थक गया हूँ साहब। गाना जाने दो ना साहब। चलो बजाओ। अरे रुको रुको रुको, जरा धीरे धीरे बजाओ। ये कैसा लगा? अब ये कैसा लगा है? अब मैं फास्ट बीट बजाऊंगा, इसमें कोई मजा नहीं आ रहा भाई। एक दो तीन चार, चल चल जोर से। आज
उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा? नाचो। साहब ज्यादा तो नहीं हो गया है? अरे साहब बोलना मत, लगती है ना। दोबारा दिखा तो जान से मार डालूंगा। उन लोगों ने सच नहीं बताया तो सबको जला के राख कर दूंगा। कहाँ है छोटू, बता छोटू कहाँ है? मुझे सच में कुछ नहीं पता, मुझे बिना बताए वो कहाँ चला गया। बता दियो वो कहाँ गया ये मुझे पता नहीं। वो कभी कभार वो मुझे फोन जरूर करता है। फोन कर। एक मिनट रुको, एक फोन आया है। हेलो, मेरे जिगर का टुकड़ा। छोटू तुम अभी कहाँ हो? क्यों, मेरी याद आ रही है? मिलना चाहती हो क्या? हाँ मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं नहीं आ सकता, तुम तो जानती हो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटू मैं भी मिलना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। अच्छा एक काम करो। हाँ? शहर के बाहर हाँ? ड्रीमलैंड होटल है। अच्छा? अगले शुक्रवार को हाँ? वहीं पे मिलते हैं। ठीक है, पैसा तुम दोगे या मैं दूंगा? छोटू ओके 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 ओके, पैसा मैं दे दूंगा। हाँ? सुनो किसी को बताना नहीं, ठीक सीक्रेट है, फोन रखता हूँ। ओके बाय। सुनो 108 में एक बियर भेजो है। जानू जानू जा, अरे ये तो खुला हुआ है। जानू चल बोल कहाँ है जाए? नहीं जानता। सच में जानता नहीं है या मुझे बताएगा नहीं? जानता हूं, बताऊंगा नहीं। ये बताएगा नहीं लाल्ड। अगर मुझे बता देगा जय कहां है तो तेरी मौत आसान होगी, वरना तेरी आत्मा भी कांप जाएगी। मैंने बोला ना नहीं बताऊंगा। और सोच ले दादा। अब बता कहाँ है वो? तड़प तड़प के मारो। ये लो, तुम्हें पता है अब क्या करना है? अब इन दोनों को ढूंढकर मार देना है। मैंने मारने के लिए नहीं कहा, मुझे जय जिंदा चाहिए। अरे संध्या, एक छोटा सा गिफ्ट मेरे लिए। हाँ देखो। संध्या मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। संध्या मेरी बात मानो। वो देख रहे हो ना, और यहाँ से वहाँ तक जितनी जमीन है ना वो सब मेरे पिताजी की है, पर उन्होंने वो सारी जमीन गांव वालों को दान में दे दी। मेरे पिताजी बहुत ही दयालु इंसान थे, और वो जो देख रहे हो ना। संभा शिवम को पप्पू राव ने नहीं मारा। तो फिर किसने? मैं
मैंने मारा था तुम्हारे लिए। और तुम्हें एक बात और बताता हूं, मेरे पापा के मरने के बाद मैं अपनी माँ और बहन के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कलकत्ता आया था। मोहल्ले के लोग मेरी माँ बहन को घूरते थे। मेरा सपना था माँ की अच्छी तरह देखभाल करना और बहन के लिए अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करना है। लेकिन मैंने अपनी माँ और बहन की इज्जत अपनी आंखों से लुटते हुए देखी और कुछ नहीं कर पाया। ये बात मुझे हमेशा कचोड़ती है संध्या, कि मैं उन्हें नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। दुखी लोगों को सुख देने वाला, बेबस लोगों को हिम्मत बढ़ाने वाला और अनाथों का साथ देने वाला आज के जमाने में कोई नहीं है। लेकिन जिसने मुझे ये सब दिया वो कोई और नहीं, भगवान था। किया गया एहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता। मानो कि आदमियों को मारना भी गलत है, लेकिन उसने जो एहसान किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। मैं एहसान फरामोश नहीं बनना चाहता संध्या। तुमने मुझे क्यों बताया? अब तुमने क्यों बताया? तुम अगर कहते कि मुझसे प्यार नहीं है तो इतना दुख नहीं होता जितना अभी हुआ है। ऐसा क्यों किया जाए? मेरा खोया हुआ प्यार मुझे वापस मिल जाए इसलिए बताया। अगर मैंने गलती नहीं की है तो मेरे सच्चाई बताने के बाद समझ जाओगी मैंने धोखा नहीं दिया है, इसलिए बताया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं संध्या, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं। मैंने जिसे भी चाहा वो मुझसे छिन गया। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था इसलिए। तुम चुप क्यों हो गए जय? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये सब सुनकर तुम्हें भूल जाऊंगी तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी, मरते दम तक, हमेशा के लिए, फॉरएवर। तुमसे प्यार करती हूँ जय, बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ जय। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। पर तुम होते तो यही करते, हम अपना हिसाब बाद में करेंगे। हाँ।
तेरी वजह से मेरा राहुल मरा ना, अब तू भी मर। मर अशोक, फोन दो। क्या हुआ? फोन दो। हेलो संध्या, तुम कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ? संध्या, संध्या, जय, संध्या को क्या हुआ? गाड़ी की चाबी दो। संध्या को क्या हुआ? तुम तो अब तक सब समझ चुके होगे, गाड़ी की चाबी दो। मैं भी चलूंगा। अशोक, ये मेरी लड़ाई है, मेरी जिंदगी की आखिरी लड़ाई। Thank you.
संध्या कहाँ है? संध्या बता, संध्या कहाँ है? संध्या कौन है? मैं उसे नहीं जानता। नहीं जानते तो संपत वहां कैसे आया? गुरु गुरु ने उसे बताया। गुरु ने? हाँ उसने। उस दिन जो तुझे मैंने ऑफर दिया था वो तुझे पसंद नहीं है, लेकिन गुरु को पसंद आ गया। और ये सारा प्लान भी गुरु का ही है। और वहां तुझे मारने के लिए भी गुरु ने भेजा। फोन करो, फोन करो उसे। कुलकर्णी, जय को मार दिया क्या? हेलो कुलकर्णी, जय। रुक जा, जय। मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कुलकर्णी, ये सब उसने किया। जय, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे नहीं जा सकता। आ जाए, आ। ये भगवान कब से तुझे ढूंढ रहा है, पर तू मिलने नहीं आया। पर एक लड़की के लिए दौड़ा चलाया। क्यों जाए, क्यों? मुन्ना को मार के और मुझे छोड़कर कैसे गया तू? मैंने मुन्ना को क्यों मारा ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसने बेरहमी से मेरी आंखों के सामने जानवी को मार डाला। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मुन्ना मेरा बेटा था। He was my son। और तूने उसका साथ देने का वादा किया था, भूल गया? मैंने इंसान का साथ देने का वादा किया था,
शैतान का नहीं। नो जय, नो। बेटा चला गया, इज्जत चली गई, पावर चली गई, और पावर मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है जय। सोचा था आपको बेटे के मरने का दुख होगा, लेकिन आपको तो पावर जाने का दुख है। नो जय। दादा दुश्मनी मेरी और आपकी है, संध्या को छोड़ दीजिए। आप जानते हैं आज तक मैंने किसी को बेवजह नहीं मारा, लेकिन वजह हो तो छोड़ता भी नहीं। आपकी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन छोटू को आपने बिना वजह मारा। अब आप संध्या को लाए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी को चाहा है तो वो है संध्या, इसलिए आप संध्या को छोड़ दीजिए। संध्या चलो। यानी भगवान को एक लड़के के लिए गन दिखाया तूने, इस लड़की के लिए चाहे जिंदगी के लिए। तुझे जिंदगी मैंने दी थी जय। तेरी माँ और बहन के जाने के बाद तू फुटपाथ के ऊपर आवारा की तरह खड़ा था, भूल गया मैंने तुझे जिंदगी दी थी जय। अगर ये भगवान नहीं होता तो ये जय कभी नहीं होता। उसके बदले में तूने क्या किया? 20 साल की जिंदगी दी है आपके एहसान के बदले। मैंने 20 साल की जिंदगी दी है दादा। दादा गन चलाकर जान लेना भले आपने सिखाया हो, लेकिन जान बचाना मैंने खुद सीखा है। आज तक सर झुकाकर आपकी बात सुनता था, लेकिन आज जवाब देने आया हूं। मैं यहां आपको मारने के लिए नहीं आया हूं, संध्या को ले जाने के लिए आया हूं। संध्या को छोड़ दीजिए, मारने के लिए मजबूर मत कीजिए दादा, मुझे मजबूर मत कीजिए। तू भगवान को धमकी दे रहा जाए। सबसे बड़ा भगवान ऊपर बैठा हुआ है। अंजाम बुरा होगा जाए। अंजाम की परवाह मैं नहीं करता जाए। तूने तूने गन मेरे लिए उठाई थी, तेरी जिंदगी भी मेरे लिए है, तू सब कुछ मेरे लिए करेगा जाए, मेरे लिए। और आज तू मुझे इस मामूली सी लड़की के लिए मारेगा जाए, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा जाए, कभी नहीं। संध्या, संध्या,